नमस्कार। मेरा गांव मेरा देश है कि यूपी एडिशन में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज बात करेंगे एक अगली विधानसभा की। 403 विधानसभाओं को एक एक करके सबके बारे में जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि आखिर कितना काम हो चुका है या फिर कहां पर इस सरकार के ये विधायक साहब फेल होते नजर आ रहे हैं। जनता से भी बात हो रही है। टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया गया है इस कार्यक्रम के जरिए, जहां पर दर्शक भी जुड़ेंगे, नेता भी होंगे और साथ ही साथ मॉडरेटर के रूप में आपके समक्ष मैं भी रहूंगा। आज बात करेंगे फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा की, विधानसभा नंबर 95। तो विधानसभा नंबर 95 में कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है, क्या जो वादे किए गए या जो दावे रखे गए क्या वो पूरे हो सके या नहीं हो सके, इसको जानने के लिए आज कार्यक्रम रखा गया है, जहां हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सिटिंग एमएलए की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए एक मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही साथ जो मजबूत विपक्ष है उसका पक्ष रखने के लिए भी एक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको थोड़ा सा गुणागणित समझाता हूं टुंडला विधानसभा की। तो टुंडला विधानसभा 2007 और 2012, मतलब बीते दो चुनावों में, जो इस बार 2017 से पहले रहे, उसमें बहुजन समाज पार्टी का डंका बचा और राकेश बाबू दो बार विधायक बने, 2007 में भी और 2012 में भी। लेकिन 2017 जैसे ही आई मोदी लहर में बीजेपी ने बाजी मार ली। ऐसे में बीजेपी से कौन जीता? बीजेपी से जीते सत्यपाल सिंह बघेल। सत्यपाल सिंह बघेल जीते जरूर 2017 में, लेकिन अभी वो सिटिंग एमएलए नहीं है टुंडला से, क्योंकि वो सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ऐसे में 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब सत्यपाल साहब लोकसभा का चुनाव लड़ने चले गए, जीते भी और अब केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए। 2020 में उपचुनाव हुए टुंडला में, वहां पर फिर बाजी मारी प्रेमपाल धनगर ने। प्रेमपाल धनगर अभी सिटिंग एमएलए हैं और बीजेपी के ही एमएलए हैं। उपचुनाव में भी बीजेपी ने ही बाजी मारी और बीजेपी का डंका बचा। लेकिन टुंडला एक ऐसी विधानसभा है जहां पर हर पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आती है। अनुसूचित जाति से सुरक्षित सीट है ये। ऐसे में सपा भी मजबूत है, बसपा भी मजबूत है और बीजेपी के तो कहने क्या। आपको बता दें कि 2017 में पहली दफा ऐसा हुआ कि 50,000 का एक बड़ा मार्जिन देखने को मिला, मतलब 56,000 के मार्जिन वोट से राकेश बाबू को हरा दिया सत्यपाल सिंह बघेल साहब ने। इसके बाद सत्यपाल सिंह बघेल साहब 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने चले गए, वहां भी जीते और जीतकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री बनकर विराजमान हैं। तो ऐसे में इस वक्त प्रेमपाल धनगर जी हैं। दोनों विधायकों ने जो बातें की थी, जो दावे किए थे, क्या उनको पूरा करके दिखाया? ऐसे में आज टुंडला विधानसभा का क्या कुछ हाल है उसको जानेंगे, उसको परखेंगे। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि तस्वीरें क्या कहती हैं टुंडला विधानसभा की। तो ये टुंडला विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां का चुनावी हाल आज हम जानने निकले हैं। तो ये देखिए, ये टुंडला विधानसभा का थोड़ा सा भ्रमण आपको कराते हैं तस्वीरों के जरिए, ताकि आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकें कि टुंडला विधानसभा आखिर दिखती कैसी है। ये हरे और पीले बोर्ड वाले जब साइन बोर्ड दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ विकास हुआ है। टू वे जब सड़कें दिखने लगती हैं छोटे जिलों में तो दिखता है कि हाँ विकास हुआ है। तो फिरोजाबाद में विकास हुआ है, टुंडला विधानसभा तक कितना विकास पहुंचा इसको जानना जरूरी है। इस तस्वीर को देखकर पता लगता है कि अभी जो जाम की समस्या है वो यहाँ पर नजर आती है। तो सड़क की समस्या हालांकि तस्वीरों से तो नहीं लिखती, लेकिन हाँ ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की समस्या एक बड़ी समस्या है। तो ये बड़े बड़े साइन बोर्ड एटा, आगरा, मथुरा, बरेली, फिरोजाबाद, इटावा, जो आसपास लगे हुए जो जगह हैं, लगे हुए जिले हैं, लगे हुए शहर हैं, लगी हुई विधानसभाएं हैं, इन सबको भी जांचेंगे, परखेंगे, सबका नंबर आएगा। लेकिन आज टुंडला विधानसभा की बात कर रहे हैं। टुंडला विधानसभा से हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक चौधरी साहब हैं, आप जिला महामंत्री हैं बीजेपी से। अशोक यादव साहब हैं, वरिष्ठ सपा नेता हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है मेरा गाँव मेरा देश है कि यूपी एडिशन में। धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार साहब। सबसे पहले तो दीपक चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस विधानसभा ने एक दफा नहीं दो दफा बीते 5 सालों में आपको दो दो विधायक दिए, दो दो चेहरे दिए। ऐसे में जो दावे और वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए? और एक ऐसा वादा और दावा बताइएगा जिसको आपने कहा 2017 से पहले और उसको पूरा करके दिखा दिया 5 सालों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 में बनी, उसके बाद हमारे विधायक के रूप में श्रीमान एसपी सिंह बघेल जी ने यहाँ कमान संभाली और उनके द्वारा जिन जिन सड़कों का कहा गया था, उनके प्रस्ताव लाए गए थे, उन पर काम शुरू हुआ। पर इसी बीच में उनको आगरा का सांसद का टिकट मिल गया और वो वहां चले गए। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रेमपाल धनगर जी आए और उन्होंने यहाँ पर एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। पिछले प्रस्ताव और माननीय प्रेमपाल जी के प्रस्ताव मिलाकर अभी तक लगभग 65 सड़कों के प्रस्ताव हुए, जिसमें से 40 सड़कें बन चुकी थीं और सड़कों पर भी काम चल रहा है। ठीक है सर, सड़कों की जो आप, क्योंकि यहाँ का मुख्य मुद्दा जो रहता है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल की सड़कें बहुत खराब थी और उन सड़कों को लेकर गंभीरता से कार्य किया। ठीक है, सड़कों पर काम अभी जारी है, आपकी जो कोशिशें हैं सड़कों में सुधार की वो जारी है या फिर आपको लगता है कि आपने करवा दिया, जितना होना था उतना हो चुका है? 40 सड़कें पूरी हो चुकी हैं और जो सड़कें बची हैं उन पर काम चल रहा है इस वक्त। सबसे बड़ा अगर काम था तब वो था हमारे यहाँ जलेसर मार्ग है फिरोजाबाद से, उसके चौड़ीकरण का कार्य था, नवनिर्माण का कार्य था, वो कार्य अभी भी अनवरत चल रहा है और वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए काफी मशहूर था, लेकिन कहा जाता है कि चूड़ियों के जो व्यापार थे, जो धंधे थे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसको लेकर आपने कुछ किया है? देखिए, चूड़ी की बात रही, कहीं ना कहीं व्यापार में जो दिक्कत आई वो पिछले जो कोरोना काल आया, वैश्विक महामारी आई, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसकी वजह से अभी व्यापार लाइन पर नहीं आ पाए थे। पर जैसे जैसे वैश्विक महामारी से हम निकल के आएंगे और व्यापार फिर अपनी जगह पर अपनी रफ्तार पकड़ेगा। ठीक है, 1986 में आखिरी दफा कांग्रेस आई थी, 1996 में, 2017 को अगर हटा दे तो 1996 में आखिरी दफा आप आए थे। इस बार कांटे की टक्कर आप किससे मान रहे हैं? कौन आपके सामने मजबूती के साथ खड़ा है जिससे आपकी फाइट होनी है? भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और सारे विपक्षी दल एकजुट है, तो इसलिए किसी को क्या मैदान में माने, भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर है। राकेश बाबू भी खड़े हैं ना आपके सामने, राकेश बाबू तो एक मजबूत दावेदार। राकेश बाबू तो पिछली बार भी दावेदार थे जब सपा और बसपा का कहा जाता है। पिछली बार मोदी लहर के चक्कर में आप यहाँ से सीट निकालने में कामयाब रहे। देखिए साहब, ये बात आपकी ठीक है कि कोई मोदी लहर आती है, कभी योगी लहर आती है, अगर ऐसी लहरों में हम चुनाव जीतते रहेंगे तो सामने कोई खड़े होने वाला ही नहीं। मतलब स्थानीय काम करने की जरूरत भी नहीं है फिर? स्थानीय कार्य हो रहे हैं ना, बता तो दिया, 40 सड़कें बनाई हैं और सड़कों पे कार्य चल रहा है। लहर में ही जब आपने कहा ना, आपने कहा कि लहर में जीते, आपने कहा लहर में जीते, लहर की बात अलग है। योगी जी ने जो विकास कार्य किए हैं उन पे आप देखिए, उसी के बिहाफ पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। ठीक है, मतलब धनगर साहब ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके जरिए जीत सकते हैं या फिर योगी जी के सहारे में है आप लोग? धनगर साहब ने स्वयं, क्योंकि उनको ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ थोड़ा सा ही समय मिला है, उस समय में उन्होंने कई सड़कें पास कराई हैं और जैसे कि कोसाइनी के अंदर एक पीआईपी सीसी का कार्य कराया, ऐसे ही अभी नियामतपुर पुल पर कार्य उन्होंने एस्टीमेट बनवा लिया जो कि बहुत प्रमुख कार्य है। ऐसे कई सारे कार्य जिन पर माननीय विधायक जी के द्वारा कार्य किया। ठीक है, माननीय विधायक जी के द्वारा कार्य किया गया, ऐसा आपका कहना है। आपको काउंटर करने के लिए दर्शक भी जुड़ेंगे, दर्शक भी अपनी बात रख सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम इस कार्यक्रम का एक जो संरचना है वो इसी प्रकार की है कि दर्शक भी जुड़ सकते हैं। फोन नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके टुंडला विधानसभा के दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ विपक्ष के अशोक यादव साहब भी जुड़े हैं, आप वरिष्ठ सपा नेता हैं। तो अशोक यादव साहब, आपकी लड़ाई बीजेपी से तो है ही है, बसपा भी यहाँ मजबूत स्थिति में है और इस बार कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में थोड़ा सा जोश में नजर आ रही है, तो इस बार लड़ाई जो है वो मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी आपको? जी जी, सबसे पहले नमस्कार साहब आपको और दीपक चौधरी जी को भी। जी भाई साहब, बड़े भाई को नमस्कार, क्योंकि दीपक चौधरी जी हमारे बहुत प्रिय हैं और कहने का ये है साहब के माननीय एसपी सिंह बघेल यहाँ से चुनाव लड़े और जीते, उन्होंने कितना कार्य किया, वो मंत्री भी थे, ये आदरणीय चौधरी साहब को मालूम है और वो और विकास हो, हम तो ये इस चीज के लिए हैं कि हम अधिक से अधिक टुंडला का विकास करा पाए, टुंडला विधानसभा का विकास करा पाए। लेकिन टुंडला विधानसभा की जनता आपको मौका क्यों नहीं देती है? जब आपकी प्रदेश में सरकार थी तब भी आपको विधानसभा में मौका नहीं दिया गया, तो मौका क्यों नहीं? 2 बार यहाँ से हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं और उससे पहले ओम प्रकाश दिवाकर भी जनता दल से जब थे वो भी हमारी पार्टी के एक तरीके से, और लगातार हम लोगों ने विकास का कार्य किया, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें हमने भरपूर काम किया। जो रह गया है सरकार हमारी बनेगी उसको भी हम जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीपक साहब तो कह रहे हैं कि नहीं रह गया है, जितना काम होना था उन्होंने करवा तो दिया, बखूबी अच्छा काम करवा रहे हैं। अगर वो अच्छा करवा अगर कोई नहीं रह गया है तो ये तेलमिल रोड देख लीजिए, एमपी रोड देख लीजिए, टुंडला की आंतरिक सड़कों को देख लीजिए, शहर की बात चल रही है तो कह रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में 40 सड़कें तक उन्होंने बना के दे दी। मस्जिद रोड को देख लीजिए, इन सड़कों को बर्बाद है चेयरमैन साहब टुंडला के, और जो 8-8 महीने से कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा, सफाई कर्मचारियों को, उसको एक ठेकेदार पूरा पैसा खाए जा रहा है। कौन ठेकेदार, नाम बताइए। अमोल गुप्ता, ठीक है, जिसके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो ऐसे काम पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए जिससे कि टुंडला की प्रोग्रेस हो जाए। ठीक है, आप पूरी विधानसभा की बात कर रहे हैं। टुंडला चौराहे पे, टुंडला चौराहे पे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की कल की जयंती है 23 तारीख की, हमने ईओ साहब से निवेदन किया कि उनकी कैनोपी को साफ करवा दें, शीशे बदलवा दें, सुभाष चंद्र बोस की कैनोपी लगवा दें, उन तक के काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे दीपक चौधरी साहब जवाब दीजिए। लाखों रुपए के बजट नहीं है। माननीय बड़े भाई को बस मैं इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि 8 महीने से बड़ी विभूतियों की अगर वहां पर स्थल बनाए गए हैं, अगर मूर्तियां स्थापित की गई हैं, तो वहां का अगर ये बात कह रहे हैं कि वहां पर साफ सफाई करवा दीजिए, ये सब तो ये बहुत छोटी बात है, ये तो आपको करवाना ही चाहिए। नहीं, साफ सफाई अभी हो रही है क्योंकि तो अभी मैं वहीं से कह रहा हूं कि ठेकेदार सफाई कर्मियों को रुपए भी नहीं दे रहे हैं समय पर। हाँ, ठेकेदार सफाई कर्मियों को रुपए नहीं दे रहा है। इसको लेके हम खुद नगरपालिका गए थे और हमने वहां पर मैंने माननीय विधायक जी ने बैठ के ईओ साहब से बात की, क्योंकि टुंडला के जो चेयरमैन साहब हैं वो पिछले 2.5-3 साल से बिस्तर में हैं, उनकी उठने की स्थिति नहीं है। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं, जब इस बात का जानकारी हुई कि 7 महीने से लेबर को पेमेंट नहीं मिला है, उसके लिए हम लेबर को पेमेंट नहीं मिला है, 7 महीने से लेबर को पेमेंट नहीं मिला है, जानकारी क्योंकि नहीं हो पाई, उन्होंने जानकारी नहीं दी। जब पता चला हम लोग गए, हमने इसके मतलब आप समझ रहे हैं 7 महीने से अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो कोरोना काल की जब दूसरी लहर आ रही थी तब भी पेमेंट नहीं हुआ, मतलब आपको पता ही नहीं चला। जैसे नहीं पता क्या विधायक जी के पास लेबर पहुंच सके, क्या विधायक जी तक ये लोग शिकायत रख सके, या विधायक जी तक पहुंचना मुश्किल है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की जो यहाँ की राशि आती थी नगरपालिका, वो घटा के 65 लाख कर दी गई, और 65 लाख रुपए में से नियमित कर्मचारियों को जो तनख्वाह देनी थी, उसके बाद जो पैसा बचना था उस पैसे में से उन ठेकेदार कर्मचारियों का पेमेंट होना था, जो कि पिछले कोरोना काल में जो घटाया गया उसकी वजह से कम हो पा रही थी, उनको हर महीने पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा था। जब इस बात की पूर्ण जानकारी लेबरों के द्वारा दी गई तो उसके बाद हम लोग नगरपालिका पहुंचे, उनके पेमेंट कराने का 7 दिन के अंदर का आश्वासन दिया गया है। पेमेंट 7 दिन के अंदर, 7 दिन का जो आपने आश्वासन दिया है उसमें कितने दिन बीत चुके हैं? जी, क्योंकि मैं फिर आपके पास आऊंगा, फिर जानूंगा कि पेमेंट हुआ कि नहीं। आज कौन सा बिल्कुल हम उन कर्मचारियों के साथ हैं जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में उन्होंने काम किया, हम लोग घरों में बैठे थे, वो निकल के काम कर रहे थे, इसलिए हम उनके साथ हैं और उनको पेमेंट दिला कर रहे हैं। अरे 7 महीने से आपने पेमेंट नहीं दिया, अब आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ। ये नगरपालिका की कहीं ना कहीं ठेकेदार का कोरोना वॉरियर, जब कोरोना वॉरियर को पैसे ही नहीं दे रहे हैं आप समय पर, 7 महीने आपकी आप कह रहे हैं कोरोना वॉरियर को सम्मान देंगे, क्या सम्मान देंगे आप? बिल्कुल पूर्ण सम्मान है। हाँ। पूर्ण सम्मान है उनका, उनके द्वारा कोई भी बात कभी कही नहीं गई, और हमें क्योंकि हमारे चेयरमैन बिस्तर में पड़े हुए, उनकी स्थिति नहीं है, इसलिए शायद हम लोग तक ये बात नहीं आ पाई। जैसे ही उनकी बात हमारे पास आई, हम नगरपालिका गए और हमने ये बात रखी, और ईओ साहब ने इस बात का और माननीय डीएम साहब के द्वारा यह आश्वासन मिला है कि उनके पेमेंट जल्द से जल्द 7 दिन के अंदर किया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि फोन लाइंस जो है उनको भी जोड़ने की कोशिश करिएगा, अगर दर्शक कोई भी आ रहा है तो उसको भी हम लाइव ले सकते हैं। ऐसे में अशोक यादव साहब, ये कितनी ज़्यादा सुनने में अजीब लगती है बात कि 7 महीने से लेबर्स का पेमेंट नहीं हुआ है, सफाई कर्मियों का बीते 7 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि चेयरमैन साहब दरअसल बेड पर थे, इसी वजह से पता नहीं लगा ये सब कुछ। अभी भी बेड पर चेयरमैन साहब अन्य सब प्रस्ताव पास करा रहे हैं। हाँ। मेंबरों को धोखा दे करके। हाँ। वहां पर तो उनका काम ठीक चल रहा है। रिक्शे जो कूड़ा उठाते हैं, अगर आप उन रिक्शों की हालत देख लेंगे टुंडला की, तो उनके अंदर रिक्शों में ताने तक नहीं है, तान टूट गई उन रिक्शों की जो है। तो ये तो हालत है, बेचारे वो जो कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मी हैं वो किस तरीके व्यवस्था में काम करते हैं, ये अगर आप मूलभूत से वहीं पर ही आकर के कोई दिखवा सकते हैं तो बहुत बड़ी अजीब अचंभा होगा आपको कि क्या स्थिति हो गई उन लोगों की। जो है ये तो हालत हो रही है साहब। मतलब दीपक चौधरी साहब जो विधायक जी हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, गरीब लोगों के लिए गंदगी है, उनकी सेवा के लिए नहीं है, उनके तरफ उनकी बिल्कुल सेवा के लिए है जी, बिल्कुल पूर्ण जिम्मेदारी है, पूर्ण जिम्मेदारी हम लोगों की, टुंडला में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ठीक है, चूड़ी का व्यवसाय जो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, नगर पालिका परिषद टुंडला पिछले, मैंने बताया ना, चेयरमैन साहब है नहीं इस स्थिति पे। अरे चेयरमैन साहब नहीं है, चेयरमैन साहब नहीं है, ये जवाब थोड़ी ना होता है। मतलब चेयरमैन साहब अगर किसी कारणवश बेड पर हैं तो क्या राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा जनता को? नहीं, राम भरोसे किसने छोड़ दिया? परेशानी हर सवाल का यही जवाब दे रहे हैं कि चेयरमैन साहब अभी बेड पर हैं, चेयरमैन साहब बेड पर हैं जी, ठीक है जी, उनके साथ मेरी संवेदना है, जल्दी ठीक होंगे, लेकिन ये तो बताइए कि राम भरोसे थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा किसी जगह। राम भरोसे नहीं है जी, बिल्कुल विकास कार्य जिस तरीके से डीएम साहब के द्वारा प्रस्ताव कराए गए उस हिसाब पे सारे विकास कार्य चल रहे हैं। अभी भी टुंडला में 7 से 8 गलियों पर काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, काम चल रहा है, पेमेंट उनका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हाँ, उनका जो 14वें वित्त का पैसा जो आता है वो उनका अलग होता है, उसका पेमेंट पूरा है। ठीक है, अब ये बताइए जरा, चूड़ियों के व्यवसाय के लिए जो मशहूर है फिरोजाबाद टुंडला भी, तो उसके लिए आपने क्या किया? क्योंकि ये तो व्यवसाय में सुनने में आ रहा है कि दम तोड़ता जा रहा है, तो आपने उसको बचाने के लिए कुछ किया है? क्योंकि चूड़ियों के व्यवसाय से बहुत लोगों का घर चलता है, बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है। हमारे यहाँ टुंडला में भी चूड़ी का व्यवसाय बहुत हद तक चलता है, क्योंकि घर घर में चूड़ी का काम होता है, काम होता है चूड़ी का, लेकिन सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे काम दम तोड़ता जा रहा है। अब जो उसके कारीगर हैं, जिनका हाथ साफ है, जिनका व्यवसाय इसी से चलता है, रोजी रोटी इसी से चलती है, जिनके पुरखों से लेकर आज तक सबने चूड़ी का ही काम किया है, तो ऐसे में अगर ये व्यवसाय ठप होता जाएगा तो फिर इसके लिए आपने क्या किया? इसको बचाने के लिए क्या? ये सूचनाएं गलत है कि व्यवसाय ठप होता जा रहा है। कहीं ना कहीं पहले से व्यवसाय में काफी हद तक सुधार हुआ, क्योंकि कोयले की भट्टियां जो लगती थी और उनमें जो भी लेबर लगती थी उसके साथ बड़ा अन्याय था, वो तपन में रहता था, और आज गैस का कार्य शुरू हो चुका है, गैस से ही सारी भट्टियां चलती है। उस गैस और भट्टी के इस मैटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, पर अब काफी हद तक सुधार है और व्यापार सही चल रहा है। ठीक है, मतलब 5 साल के कार्यकाल में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। चलिए ठीक है, अशोक यादव साहब ये कह रहे हैं कि चूड़ी के व्यवसाय में इन लोगों ने अच्छा काम किया है, उसको बढ़ाने के लिए काम किया है, तो चूड़ी का जो व्यवसाय जो लोग करते हैं उनके जीवन में सुधार है। अब गैस के द्वारा चल रहा है। देखिए साहब, गैस तो इनकी सरकार 2014 में आई, उससे पूर्व भी थी, फिरोजाबाद के अंदर आ चुकी थी। कोयले का काम बहुत पहले बंद हो चुका है यहाँ पर, परंतु इन्होंने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट करेंगे, वो एक विचारणीय बिंदु है, क्योंकि गैस के दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं, वो व्यापारी बेचारे रोज आंसू पोंछ रहे हैं कि कहाँ से हम व्यवस्था करें। रॉ मटेरियल की इतना महंगाई हो चुकी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने माल को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जो हजारों लाखों की तादाद में जो लेबर यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन ये तो कह रहा है कि चूड़ी का जो व्यापारी है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, ये तो ऐसे बता रहे हैं इतनी तरक्की कर पा रहा है। ये बात जो भाई साहब कह रहे हैं उस बात का मैं नहीं कहूंगा। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी थी, क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी थी, जिसके कारण यहाँ गैस की जो सप्लाई है उसकी रेट बढ़ी, इस बात से कोई नहीं मना नहीं कर रहा है। पर जब से चाइना बाजार को बंद किया गया है और टोटल चाइना बाजार बंद होने से वैट लगाकर और 3-4 रुपया डीलर भी ले लेते हैं, तब जाकर तेल की कीमत बढ़ती है। क्रूड ऑयल के ऊपर मत थोपिए, क्रूड ऑयल के ऊपर क्यों? मैं आपसे मैं बता रहा हूं ना आपको, कहीं ना कहीं पहले चाइना ने काफी हद तक बाजार को कवर कर रखा था, जब से चाइना बाजार बंद हुआ है तब से हमारे इस उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। और ऑयल के ऊपर मत लगाइए, 30-40 रुपए का आता है बेचारा। कौन कर रहा है आपसे? मैं बार-बार कह रहा हूँ, चाइना की कीमतें जब बढ़ी 30-40 रुपए का तो क्रूड ऑयल आता है, 30-40 आप रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, 30-40 रुपए आप वैट लगाते हैं, 3-4 रुपए डीलर भी ले लेता है, तब बढ़ता है ना तेल। तेल पर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे तो फिर आप इस चीज को वैट की बात करते हैं तो आप अर्थव्यवस्था चलाने की भी बात नहीं करेंगे। कहीं अर्थव्यवस्था देश की काय पे चल रही है? कहीं मतलब ये अगर ये सारी चीजें हटा दी जाए, बैट हटा दिया जाए और जीएसटी हटा दिया जाए, तो पहले भी चल रही थी। अगर केंद्र की बात अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन राज्यों में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन राज्यों में वहाँ पेट्रोल पर रेट कम हुए, मतलब आप सड़कें चमचमाती हुई बना देंगे, नहीं हो पाई ना, सड़कें आप चमचमाती हुई बना देंगे और तेल के दाम गगनचुंबी कर देंगे तो आदमी क्या ही चल पाएगा। वाहन तो तेल मांगते हैं ना। माननीय जी, माननीय जी, आप शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यों में सरकार है वहां पर तेल की कमी, तेल पर रेट कम की गई, जीएसटी को किया गया, जीएसटी के दायरे से नहीं लाया गया पर रेट कम की गई। और जो कांग्रेस शासित है, देखिए तेल कम करने वाली बातें मत किया करिए कि तेल के रेट कम किए। ये उसी की तरह लगता है जब फ्लिपकार्ट या हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे जाते हैं कॉमर्स वेबसाइट पर तो वहां पर दिखाया जाता है कि 20% डिस्काउंट के साथ इतने इतने रुपए का है और त्योहार जैसे ही आते हैं तो बताते हैं 50 रुपए के डिस्काउंट के साथ अब इतने इतने का है और दोनों दाम देखेंगे तो बराबर ही होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। नहीं तो 90 रुपए का तेल था उसको 15 दिन के अंदर आपने 110 रुपए कर दिया और एक रोज सुबह उठकर आपने 5 रुपए घटा दिया तो क्या एहसास में अंतर दिखाई नहीं देता। 105 रुपए था उससे 95 रुपए में अंतर दिखाई नहीं देता। तो 105 रुपए भी तो आप ही ने किया। आप सरकार है, आप जो चाहे वो सरकार का है। ये तो आप 115 कर 100 रुपए कर देते हैं और गरीब जनता से कहते हैं कि 15 रुपए घटा दिया, क्या कर लेते भाई। अच्छा, पेट्रोल भी महंगा और रोड खराब हो तो उस पर गड्ढों में भी चलने पर दिक्कत आएगी। गड्ढा मुक्त भी कहाँ हुई है, अभी भी सड़कें गड्ढा युक्त हैं, गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। देखिए एक साथ में सारा काम नहीं हो पाता पर काम चल रहा है। आप किसी भी हाईवे को देख लीजिए, इतने हाईवे आज तक नहीं बने होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना के दिए। फिरोजाबाद को कितने दिए, टुंडला विधानसभा में कितने बने? फिरोजाबाद में माननीय हसीजा जी के द्वारा हाईवे दिया गया यहाँ से लेके मक्खनपुर तक राया के ताल से, ठीक है, जो कि पहले फिरोजाबाद के अंदर होके जाना पड़ता। सत्यपाल सिंह बघेल साहब पर जनता ने भरोसा किया, सत्यपाल सिंह बघेल साहब पर जनता ने भरोसा किया, 2017 में उनको जितवाया। तो 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे तो विधानसभा के लोगों से कुछ बातचीत की कि क्यों जा रहे हैं, क्या आगे की सोच है, क्या विचार है? अब उनके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा, मतलब ऐसा लगता है ना कि जनता को बीच में छोड़कर चले गए। जो भी पार्टी का निर्णय रहा, जो भी नेतृत्व ने उनको आदेश दिया वो उन पर उन्होंने कार्य किया। यहाँ से जाकर आगरा से चुनाव लड़ा, अब इसके लिए तो पार्टी नेतृत्व ने जो उनको आदेश दिया वो उसको मान्य किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के पैमाने पर आपने क्या काम किया? शिक्षा के बारे में आपको जब किसी भी स्कूल में जाएंगे तो देखने को मिलेगा पहले स्कूलों की हालत क्या थे, ना पंखे थे, ना फर्नीचर थे, ना स्कूल बैग थे, ना ड्रेस थी, किसी भी चीज का कुछ नहीं है। आज बच्चों के पिताजी के खाते में सीधे सीधे ड्रेस का पैसा आता है, बस्ते दिया जाते हैं, स्कूल की जो रख रखाव है, बिल्डिंग खराब पड़ी हुई तो वो सबको सही किया गया। आपको देखने को मिलेगा आज स्कूलों में, जो प्राइमरी स्कूल थे उनमें कंप्यूटर लगाए गए, एलईडी टीवी लगाई गई, स्मार्ट क्लास बनाई गई। ठीक है, स्वास्थ्य के पैमाने पर क्या काम किया आपने? स्वास्थ्य का पैमाना इस कोरोना टाइम में हम लोगों ने देखने को देखा है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की जिस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग ने कार्य किया, कोरोना काल में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, जितना टुंडला पास हुआ या फेल हुआ? नहीं, टुंडला पास हुआ, ठीक है, टुंडला पास हुआ, अंतर्गत इतने मरीज नहीं रहे, टुंडला के अंतर्गत इतने मरीज नहीं रहे और पूरे स्वास्थ्य विभाग ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस टुंडला के हर जनता की तरफ से कह रहा हूँ तो स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा कार्य, ठीक है, बहुत अच्छा कार्य किया। मेरे साथ सपा के नेता जी भी अशोक यादव साहब, अशोक यादव साहब जो शिक्षा और स्वास्थ्य के जो विभाग हैं उनके पैमानों पर जब बात की गई तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया गया है और जो सबसे बड़ी लड़ाई थी जो कोरोना काल के दौरान लड़ी गई उसके लिए भी कहा जा रहा है कि अच्छे से लड़े, मजबूती से लड़े, पास हुए। शिक्षा के क्षेत्र में आप समझ लीजिए, आज इन्होंने जो हमारी सरकार में जितने हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल और यूपीएस बनवाए उनमें आज तक टीचर्स को रखने की व्यवस्था, एकल स्कूल चल रहे हैं, एकल स्कूल के अलावा इन्होंने 2 या 4 टीचर तक सही से एडजस्ट नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है, अभी जो इनका फर्नीचर सप्लाई में आया है उस फर्नीचर का बड़े बड़े अखबारों में इश्तेहार छप के आ रहा है कि आते ही फर्नीचर चौथे दिन टूट गया। टुंडला शहर के अंदर ही जो एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई रखी है, उसके अलावा उसके लिए जो बजट आया था वो बजट भी वापस चला गया और उस बिल्डिंग का निर्माण शहर के अंदर नहीं हो पाया। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे याद आती है पुराने दिनों की वो ये थी कि शिक्षक दरअसल स्कूल ही नहीं जाते थे, विद्यालय में पढ़ाने ही नहीं जाते थे। केवल कोई 5,000 रुपए में 4,000 रुपए में किसी को रख दिया जाता था, वो वहाँ साइन कराता था, तो वो तो सुधार हुआ है। शिक्षक तो पहुँच रहे हैं, लगाना पड़ रहा है तो सब कुछ आना पड़ रहा है। अब तो स्थिति ये है साहब, इनका एक टीचर कल ही पकड़ा गया है और कई टीचर पकड़े गए जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, बीएसए ने चेक किया है। मतलब अच्छा वो समस्या आज बरकरार है, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा स्कूल जा रहे हैं, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों में जाकर के। चलिए ठीक है, मतलब शिक्षक आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, धन्य हो नहीं जनता का। दूसरी बात एमडीएम का पैसा एक स्कूल में 1.5 लाख रुपए भेज दिया गया है और एक स्कूल में बच्चों की संख्या आने के बाद 0 अमाउंट भेजा गया है। अच्छा, ये स्थिति भी आ रही है। अच्छा, तो कम से कम इसमें तो जब आपका आज की डेट में ऑनलाइन सब व्यवस्था हो चुकी, डिजिटल इंडिया हो चुका, तो इतनी व्यवस्था तो कायम रखनी चाहिए साहब। दूसरी बात स्वास्थ्य में आ जाए साहब, स्वास्थ्य के मामले में हमारा मेरी विधानसभा टुंडला डेंगू में नंबर 1 पे रही। इतने मरीजों का आहत हुए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू की शुरुआत टुंडला विधानसभा से हुई और खासतौर से नारकी ब्लॉक से जो है। आप बताएं कि क्या डेंगू इतना प्रभाव छोड़ गया, क्या इतना मच्छर प्रभाव छोड़ गया डेंगू का कि इतने लोगों की मौत हो गई, इतने बच्चों की मौत हो गई। और उसमें आज तक हमने रिक्वायरमेंट, हमने डिमांड करी थी उस समय सरकार से कि आप पुणे की लैब से जांच करवाएं कि ये कौन सा वायरस है जो इतनी मौत हो रही है। बच्चा किसी का मृत्यु हो, परिवार में किसी के मृत्यु हो, कष्ट तो हम लोगों को भी है और सभी को कष्ट है और होना भी चाहिए। मतलब ठीक है, आपकी अपनी बातें हैं और बीजेपी के नेताजी की अपनी बातें हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप दोनों ने ही बताया कि किस तरीके से आप बता रहे हैं कि पास हुए हैं दीपक चौधरी साहब और वहीं अशोक यादव साहब बता रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से आप फेल हुए हैं। लेकिन ये सुनकर दुख होता है कि जो पुरानी बातें थी, मतलब जैसा कि अशोक यादव साहब बता रहे थे कि आज भी शिक्षक नहीं पहुँच रहे, आज भी मास्टर स्कूल में नहीं पहुँच रहे और छात्र नजर भी नहीं आते स्कूलों में। सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, आज भी शिक्षक स्कूल नहीं जाते, बल्कि 4-5 हजार रुपए में आज भी वो लोग रखे हुए हैं जो वहां जाकर उनके नाम से साइन कर देते हैं। तो जब तक इस तरीके से काम होता रहेगा, जब तक इस तरीके से गोलमोल बातें होती रहेंगी, गड़बड़ झाला होता रहेगा, तब तक कैसे आप उत्तर प्रदेश की बातें करेंगे। तब तक तो सिर्फ आप उत्तर प्रदेश ही रहने दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।